हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज से हम स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग थर्ड, जो कि काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो आया है इसके ऊपर। लेकिन आपको एग्ज़ाम से पहले कोई एक दो महीने पहले आपको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम से एक वीक पहले भी स्टार्ट करते हो ना इस चैप्टर को पहली बार पढ़ना, तो हो जाएगा। MCQ का पेपर आता है, 50 क्वेश्चन आता है, बहुत ईजी होता है, ठीक है, इजीली हो जाएगा। पूरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें करता है तो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज कौन सा यूनिट होने वाला है? आज हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। आज हम 8 यूनिट करेंगे बायोडाइवर्सिटी के लिए। क्या थ्रेट है, क्या कंजर्वेशन है, ठीक है, कैसे हम उनको कंजर्व कर सकते हैं। अगर थ्रेट है, अगर उनके लिए कोई प्रॉब्लम है जिससे वो मर सकते हैं, तो कैसे हम उनको बचा सकते हैं। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हजार्ड, ये हम नेक्स्ट यूनिट के अंदर करेंगे। फिर उसके बाद आपका यूनिट 10 वेस्ट मैनेजमेंट देखेंगे एंड ग्लोबल इन्वायरमेंट इश्यूज देखेंगे। तो आज का हम यूनिट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी थ्रेट एंड कंजर्वेशन। पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, विभिन्नताएं, ठीक है। चिड़िया आपको कितने प्रकार की मिलती है, शेर कितने प्रकार के मिलते हैं, गाय कितनी प्रकार की मिलती है, तो तरह तरह के जब हमको जानवर मिलते हैं, बहुत सी स्पीशीज मिलती है, तो उनको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तरह तरह के जंगली जानवर, तरह तरह के पक्षी, तरह तरह के कीड़े मकोड़े, तो उनको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। इनके लिए क्या थ्रेट है और इनको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, पूरा चैप्टर आपका बोलता है, ठीक है। तो हम पहले देखेंगे कैसे जो ये बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, कैसे खत्म हो रही है, ठीक है, कौन कौन से इसके कॉजेज है वो देखेंगे। देन उसके बाद ये जो पाउचिंग, मतलब कैसे उनको हंटिंग की जाती है, ये देखेंगे। फिर उसके बाद हम कैसे इनको, क्यों हमको इनको कंजर्व करने की जरूरत है, कंजर्व कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, जब हमारी लाइफ स्टार्ट हुई थी, जब जिंदगी स्टार्ट होती है उसकी, मनुष्य की, वो कब हुई थी? 3.5 मिलियन ईयर्स पहले, ठीक है। 3.5 बिलियन ईयर्स पहले एक लाइफ स्टार्ट होती है, एक नहीं, मतलब एक ही नहीं, सबकी लाइफ स्टार्ट होती है, जहां से मनुष्य आता है, ठीक है। अब उस टाइम पे 500 मिलियन तरह तरह के जानवर, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अर्थ पर थे, ठीक है, अर्थ पर थे। लेकिन UN कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ने क्या बोला है कि जो पहले 3.5 बिलियन ईयर्स पहले 500 मिलियन क्या थी, बायोडाइवर्सिटी थी, अब वो 13 मिलियन स्पीसीज हो गई है पूरे अर्थ पर, ठीक है, जिनमें से 1.7 मिलियन स्पीसीज को अब तक आइडेंटिफाई किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है, पहचाना गया है। कितनी? 1.7 मिलियन। तो आप देख सकते हो कितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है ना, कितने तरह तरह के कीड़े मकोड़े, जंगली जानवर है, ठीक है, जिनमें से कितने सारे तो लॉस्ट हो चुके हैं, ठीक है, ओके। तो हम आगे बात करते हैं, आगे क्या है, आगे है कॉसेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। कैसे ये, मतलब 500 से 30 मिलियन हो गया है, कैसे हो सकता है? तो हैबिटेंट लॉस, हैबिटेंट लॉस मतलब कि जो हमारे स्पीसीज होते हैं, जो हमारे जंगली जानवर होते हैं, वो हमेशा किसके लिए घूमते हैं? कि हमको कहीं से खाना मिल जाए जंगल में, कहीं से हमको गुफा मिल जाए, कहीं से पेड़ मिल जाए जहाँ पे बैठ के हम रह सके, शेल्टर के लिए घूमते हैं, रिप्रोड्यूसमेंट के लिए ढूंढते हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है, कभी कोई डिस्ट्रक्शन आ जाता है, ठीक है, कभी कोई डिस्ट्रक्शन आ जाता है जिससे वो क्या हो जाती है, वहीं पे खत्म हो जाती है, या फिर वो उस चेंज को अडॉप्ट कर लेती है। देखो क्या था, आप सभी ने हिस्ट्री पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो वैसे हम आपको बता देते हैं। अगर आपने पीलोलिथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक एज पढ़ा हो हिस्ट्री के अंदर, तो उसमें बोला जाता है कि पीलोलिथिक टाइम पे हमारे आदि मानव वाली जिंदगी रहा करती थी, उस टाइम पे क्लाइमेट चेंज नहीं था, ठीक है, क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ था। लेकिन मीसोलिथिक में क्या होता है, क्लाइमेट चेंज हो जाता है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो जाता है। तो क्लाइमेट चेंज होना और एकदम से उस चेंज को अडॉप्ट करना एनिमल के लिए एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन है, ठीक है। कुछ कुछ एनिमल्स, कुछ कुछ हैबिटेंट तो उसको चेंज कर लेते हैं, कुछ कुछ हैबिटेंट उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, सॉरी अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन कुछ हमारे मर जाते हैं, ठीक है। सम ऑर्गेनिज्म जैसे पेजन, हाउस पैरो, ट्रियोडेंट जो रैट और माइस होता है, ये क्या हो रहा है, ये फ्लॉरिश हो रहा है, ठीक है, डियर फ्लॉरिश इन द मॉडिफाइड हैबिटेंट, जो कि
बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से मैनी अंडर द और डू नॉट, और भी काफ़ी है, मतलब सिंपल से इसमें बोला जा रहा है हैबिटेंट लॉस, मतलब कोई भी डिस्ट्रक्शन के थ्रू जहाँ हमारे जो हैबिटेंट होते हैं वो मर जाते हैं तो उनको बोलते हैं हैबिटेंट लॉस, ठीक है। कोरल रीफ, कोरल रीफ आपने देखा होगा किसके अंदर होता है, ये होता है समुद्र के अंदर होती है, रंग बिरंगी सी, अगर आपने नहीं देखा तो हम आपको दिखाते हैं, बहुत प्यारी लगती है। जस्ट वेट, कोरल, ये रे देखो ये कोरल रीफ, ठीक है। तो ये कहाँ पे मिलती है, आपके समुद्र के अंदर मिलती है, ठीक है। कोरल रीफ ये समुद्र के अंदर मिलती है, तो ये क्या होता है, इसको काफी बड़ी प्रॉब्लम है नेचुरल हैबिटेंट की वजह से, ये क्या हो रही है, बहुत फर्जाइल हो जाती है, मतलब जल्दी से जल्दी डैमेज हो जाती है, अगर कोई भी थोड़ा बहुत चेंज कर दो ना पानी में, जल्दी ही खत्म हो जाती है। तो कोरल रीफ की अगर हम बात करें, बहुत ही फर्जाइल, ठीक है, पर्टिकुलरली फर्जाइल वो ये हैबिटेंट है, ये सी लेवल नीचे, बिल्कुल सी के नीचे मिलती है, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी सेडिमेंट चेंज हो गया, थोड़ा सा भी पॉल्यूशन हो गया, तभी ये क्या करती है, वहीं पे डैमेज हो जाती है, वहीं पे खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, डैमेज हो जाती है, बस इतना आपको इसके अंदर याद रखना है। उसके बाद जो हैबिटेंट है उनके लिए डिस्ट्रक्शन जो आज के टाइम पे रहा है, सबसे बड़ा पहले क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोग फॉरेस्ट को काट रहे हैं। अब तुम जंगलों को काटोगे तो सिंपल सी बात है, जो वहां के जंगली जानवर है वो कहाँ रहेंगे, ठीक है। तुमने तो वहां पे जंगल काट के अपना एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया है, डिफॉरेस्टेशन कर दिया है, लेकिन वो जंगल के जानवर कहाँ पे जाएंगे, ठीक है। सबसे बड़ा एक डिस्ट्रक्शन वो है, ठीक है। मैंग्रोव साइट्स का खत्म होना, डिस्ट्रक्शन होना, माइनिंग कराना, ठीक है, और ओवर एक्सटेंशन, टिम्बर का ज्यादा यूज करना, फ्यूल वुड का ज्यादा यूज करना, और डैम वगैरह बनाना रिवर में, अगर हम डैम बनाते हैं तो बहुत से जंगल को काट देते हैं, ये भी सबसे बड़ा वो दिक्कत है। पॉल्यूशन सबसे बड़ा दिक्कत है, ठीक है। इंडस्ट्री का जो वेस्ट होता है वो पूरा नदियों में निकाल दिया जाता है, नदी के अंदर जितने भी हमारे हैबिटेंट्स हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है, है ना। तो उससे क्या होता है, वो सब खत्म हो जाते हैं। तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से हमारे हैबिटेंट लॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो कि हमारे पूरे अर्थ का 7% अर्थ के अंदर 7% एरिया है, अगर हम टोटल अर्थ सरफेस की बात करें ना 100% पे से 7% आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला एरिया आता है। लेकिन अगर इस पे स्पीसीज की बात करें तो थर्ड फोर्थ स्पीसीज, मतलब अगर तेरह मिलियन स्पीसीज है ना, तो उसका हाफ से भी ज्यादा, ठीक है, उसका 1% निकाल लो, इतनी स्पीसीज यहाँ पे मिलती है। 3/4 स्पीसीज कहाँ पे मिलती है, इसके अंदर ही, रेन फॉरेस्ट के अंदर, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, क्या करा जाता है, सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन स्पीसीज, क्या करते हैं जो ह्यूमन होता है ना, वो एक स्पीसीज को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसी को मारते रहते हैं, उसको खत्म करते रहते हैं, तो उसकी वजह से वो खत्म हो जाती है, ठीक है। वो क्या हो जाती है, वो मर ही जाती है, वो बचती नहीं है, ठीक है, बचती ही नहीं है। तो सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन स्पीसीज का ये आप ये याद रखना, पीजन वाला, ठीक है, पीजन वाला ये जरूर याद रखना, इससे क्वेश्चन बनता रहता है। डोमेस्टिक सिलेक्टिव स्पीसीज, लोग क्या करते हैं, जैसे गाय पालना है तो लोग गाय को ही पालने लगेंगे, उन्होंने क्या करा, एक स्पीसीज को सिलेक्ट कर लिया है कि हम तो इसको पालेंगे, अब उसको उसके अपने खुद के बेनिफिट के लिए काफी काफी चेंज लेकर आते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, चेंज लेकर आते हैं अपने तरीके से, जिससे वो क्या होती है, स्पीसीज ही खत्म हो जाती है। लोग पेस्टिसाइड का यूज कर रहे हैं, आप क्रॉप को तो ऊपर लेकर आना चाहते हो, लेकिन जो वहां पर इंसेक्ट है उनको कितनी दिक्कत होती है इस पेस्टिसाइड से, कभी सोचा है। तो पेस्टिसाइड का यूज करना, सिलेक्टिव डोमेस्टिकेशन करना, या फिर एक उसको हंट कर देना, मतलब किसी को एक को चुन लेना। ग्लोबल कैपिटल चेंज, क्या बोल रही हूँ मैं, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हमको दिक्कत थोड़ी नहीं हो रही है, एनिमल्स को, बायोडाइवर्सिटी को भी तो दिक्कत हो रही है, उनके लिए भी तो रहना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, तो धीरे धीरे वो भी खत्म होती जा रही है, ठीक है। तो ये सारे रीजन है जिससे हमारी जो हैबिटेंट है वो लॉस हो रहा है। दूसरा है पाउचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, कि लोग क्या करते हैं, हंट करते हैं, शिकार करते हैं जानवरों का, ठीक है, एक्सपोर्ट करते हैं, उनको बेच देते हैं, फिर प्रॉफिट ले लेते हैं। तो हंटिंग जो होती है ना, वो तीन तरह की होती है। कमर्शियल, कमर्शियल मतलब हम क्या किस लिए करते हैं, प्रॉफिट के लिए, भाई प्रॉफिट चाहिए, इसलिए हम उन जानवरों को मार के बेच देते हैं। सब्सिस्टेंस अपने खुद के लिए,
ठीक है, जब हम किसी जानवर को मारते हैं फिर उसका खाना बनाते हैं, जैसे मुर्गी बकरा, लोग क्या करते हैं मार के अपने लिए खाना बना लेते हैं अपने खुद के सर्वाइवल के लिए। स्पॉट हंटिंग ये होती है एंटरटेनमेंट के लिए। पहले राजा महाराजा होते थे, वो शेर का शिकार के लिए जाते थे, जंगली जानवरों का शिकार के लिए, वो अपने खुद के एंटरटेनमेंट के लिए जानवरों को मारते थे। तो ये तीन तरह की वो होती है हंटिंग, तो ये आपको याद रखना है, बस इतना याद रखना है। और सबसे ज्यादा जो हंटिंग होती है वो कौन सी होती है, कमर्शियल हंटिंग होती है, ठीक है, जिसके अंदर स्नो लेपर्ड, टाइगर, चीता ये सब आते हैं, ठीक है, और एलिफेंट की जो दांत होता है उसका भी, ठीक है, इसका शिकार मतलब हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं, तो ये याद रखना है। और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की बात करें तो ये यहाँ से इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके बाद क्या है, इसके बाद है इम्पोर्टेंट यहाँ से, नीड फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। अब हम देख रहे हैं कि इन सभी कारणों की वजह से हमारी जो बायोडाइवर्सिटी वो दिन पर दिन खत्म होती जा रही है। अब इस धरती पे इंसानों को थोड़ी ना रहना है ना, इंसान ही थोड़ी ना रहेंगे भाई, जंगली जानवर भी होने चाहिए, बर्ड्स भी होनी चाहिए, इंसेक्ट भी होनी चाहिए, जो पानी के अंदर जितने भी जीव जंतु रहते सबका रहना बनता है इस धरती पे, ठीक है, तो इनको बचाने के लिए हमको कैसे कंजर्व कर सकते हैं, तो क्या करना है, पहला तो एथिकली हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं काफ़ी ऐसे बायोडाइवर्सिटी जिसकी हम पूजा करते हैं, करते हैं नहीं करते, करते हैं गाय की पूजा करते हैं, ठीक है, और भी काफ़ी जानवर है जिनकी पूजा करते हैं, ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़रूरी है, अगर बायोडाइवर्सिटी है तो हम हैं, ठीक है, अर्थ की लाइफ को सपोर्ट मिल रहा है, ये एक अर्थ की लाइफ का सपोर्टिंग सिस्टम है, वो है तो हम हैं, अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं बचेगी तो हम भी नहीं बचने वाले हैं, ठीक है, तो उनको बचाना पड़ेगा, ठीक है। देन इसके बाद कंजर्विंग, कैसे हम इनको कंजर्व कर सकते हैं, इन सीटू कंजर्व क्या होता है कि जैसे एक बहुत बड़ा जंगल है, ठीक है, एक जंगल है, अब जंगल के अंदर हम देख रहे हैं कि कुछ जंगली जानवर है, जैसे वहां पे शेर रह रहे हैं, तो शेर मरते जा रहे हैं, तो हम वहीं पर उसी जंगल में उस शेर को रखेंगे, उसका ख्याल रखेंगे, ठीक है, उसका ध्यान रखेंगे, तो वो होगा इन सेतु कंजर्वेशन, मतलब जहां पर वो रह रहा है, जिस क्लाइमेट में रह रहा है, जिस जगह पर रह रहा है, वहीं पर हम उसको कंजर्व कर रहे हैं, बचा रहे हैं, ठीक है। एक्सीतु क्या होता है, एक्सीतु, अब जैसे हमने देखा कि भाई उस जंगल में शेर मरते जा रहे हैं दिन पे दिन, ठीक है, जो शेर की प्रजाति है वो दिन पर दिन खत्म होती जा रही है, तो हम क्या करेंगे कि कुछ बहुत से कारण हो सकता है कि शायद उसको क्लाइमेट वो झेल नहीं पा रहा है, इतनी सर्दी में नहीं रह पा रहा है ना, तो हम क्या करेंगे उसको वहां से लेकर कहीं और लेके जाएंगे, दूसरे जंगल में लेकर जाएंगे और वहां पे उसको उसका ध्यान रखेंगे, ठीक है, तो वो होता है एक्सीतु कि हम दूसरी जगह पर लेके गए, एक्स वहां से निकाल के उसे दूसरी जगह पर कंजर्व करा है, बचाया है, उसको बोलते हैं एक्सीतु, बस इतना ध्यान रखना है आप लोगों को, ओके। इन सीतु के अंदर प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया मतलब एक बहुत बड़ा जंगल हो गया, उसमें कोर एरिया होता है, कोर एरिया जहां पर कोई भी नहीं आ सकता, ठीक है, बिल्कुल मना कर दिया जाता है, बफर एरिया जहां पे आप आ सकते हो, देख सकते हो, लेकिन परमिशन से, आउटर बफर जहां पे जो हमारे ट्राइबल्स वगैरह रहते हैं वो भी रह सकते हैं, थोड़ी बहुत एक्टिविटीज कर सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं जंगल को, बचा सकते हैं, काटना नहीं है भाई, खराब नहीं करना है, नेशनल पार्क बना सकते हैं, ठीक है, नेशनल सेंचुरीज बना सकते हैं जिससे हम तरह तरह के एनिमल्स लेके आ सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी वगैरह लेकर आ सकते हैं, ठीक है। और टाइगर रिजर्व सबको पता है, जहाँ पे हम टाइगर को रिजर्व करते हैं, ठीक है, उनको बचा के रखते हैं, तो ये वाला भी हम ये कर सकते हैं, ऐसे हम रिजर्व कर सकते हैं अपने टाइगर्स को, बचा सकते हैं, ठीक है, ऐसे हम पार्क वगैरह बना सकते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद कैप्चर ब्रीडिंग प्रोग्राम भी हम कर सकते हैं, ठीक है, कि उनकी ब्रीडिंग के लिए कुछ प्रोग्राम लेकर आने हैं जिसे हम बचा सकते हैं, तो ये काफ़ी जो कैप्चर ब्रीडिंग प्रोग्राम है ये एलिफेंट को कंजर्व करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्वेश्चन आ सकता है कि एनिमल को कंजर्व करने में कौन सा प्रोग्राम है जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्रोकोडाइल कंजर्वेशन, ठीक है, ये गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा था, तो देख लो कब स्टार्ट करा था, 1976 के अंदर, तो याद रखना है कब है, ठीक है, डेट्स वगैरह सब याद रखना है, ठीक है। एक्सीतु मैंने आपको बता दिया, एक्सीतु क्या होता है, बोटेंशियल गार्डन्स इसके अंदर हम लेके आ सकते हैं, देन उसके बाद जूलॉजिकल पार्क बना सकते हैं, ठीक है, उसके बाद एक्सीतु के अंदर कैप्चर ब्रीडिंग, ये स्टोरेज ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये नाम याद रखने हैं आपको, ये नहीं देखना क्या होता है इसके अंदर क्या नहीं, थोड़ा बहुत जो अंडरलाइन करा है वो पढ़ लेना बस, ठीक है। देन उसके बाद और क्या है,
और ये भी देख लेना, इंट्रोडक्शन री इंट्रोडक्शन किया, आप एक सीतु के अंदर आते हैं। क्वेश्चन बनता है एक सीतु के अंदर कौन कौन से आते हैं, सीड बैंक जो भी एक, ये भी एक सीतु के अंदर ही आती है टेक्निक, ठीक है। देन उसके बाद सीड को स्टोर करना, तो इन सभी का हम यूज कर सकते हैं जिससे हम अपने बायोडाइवर्सिटी को रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। और नेचर रिजर्व, नेचर को रिजर्व करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं, ठीक है, कि अब हम इस जगह को क्या नहीं करेंगे, खराब नहीं करेंगे, प्रमोट करेंगे, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी प्रमोट करेंगे, ह्यूमन के बीच में और बायोस्फीयर के बीच में एक रिलेशन बना के रखेंगे, बैलेंस बना के रखेंगे, ठीक है। तो यूनेस्को ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था कब, 1971 के अंदर, ठीक है। इस प्रोग्राम का एक बार नाम याद रख लेना, मैन एंड बायोस्फीयर, मैन एंड बायोस्फीयर, जिसमें उसने काफी इनिशिएटिव लिए थे, ठीक है। तो पहला बायोस्फीयर रिजर्व पूरे वर्ल्ड के अंदर कब एस्टैब्लिश कराया गया था, 1979 के अंदर पहला बायोस्फीयर रिजर्व वर्ल्ड के अंदर कब एस्टैब्लिश कराया गया था, ये याद रखना है। और इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये याद रखना है। और कितने बायोस्फीयर है, पूरे 18, ठीक है, 18 बायोस्फीयर है, ये याद रखना है। तो ये जो डाटा है ये कलेक्ट करके रखना है, कुछ कुछ डेफिनेशन याद रखनी है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बस इकट्ठा करके रखो, ठीक है। ये कहाँ पे कुछ वेटलैंड्स भी दिए गए हैं, ये देख लेना, कुछ इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स। और इस चैप्टर में से कुछ नहीं है, बस इतना ही है पूरे चैप्टर के अंदर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत तो परेशानी मेरे को बताने का। बस आपको पूरा डाटा याद रखना है कि कब वो मीटिंग हुई थी, कितने बायोस्फीयर है, पहला बायोस्फीयर कौन सा है, कब उसका प्रोग्राम हुआ था यूनेस्को का, ठीक है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है, इन सीतु एक्स सीतु के अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स आती है। तो ऐसे बड़े बड़े आंसर करने हैं, कोई वहाँ पे आपसे पूछा नहीं जाएगा इन सीतु को डिफाइन करो, क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू आएगा, तो एमसीक्यू के प्रस्पेक्टिव से ही पढ़ने का है, ठीक है। सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। बाय।